सर, क्या लगता है सर, ये जिस तरह से गोवा में सरकार बनी, क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कि दो बड़े बड़े नेता एक साथ गए थे? देखिए, ये जो पूरा यूपी का चुनाव हुआ और उसके बाद की जो परिस्थितियाँ बनी, उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों में मध्य प्रदेश के नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कैलाश विजयवर्गीय सक्रिय रहे चुनाव में, दिग्विजय सिंह सक्रिय रहे इसमें। गोवा में जो सरकार बनने की जो प्रक्रिया थी, उसमें बीजेपी की तरफ से उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं गडकरी जी, वो गए और दिग्विजय सिंह गए थे सरकार बनाने के लिए। गडकरी दो घंटे के भीतर अपनी सरकार बना दी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो केवल देखते रह गए। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है इस चुनाव के बाद सरकार बनने की प्रक्रिया में। लगभग यही हाल हुआ मणिपुर का। मणिपुर में भी बीजेपी बाजी मार गई। दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होने के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही और बीजेपी बाजी मार गई। सर, मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि कुछ बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया जा सकता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये तो बहुत ही हवाई तर्क है कि यदि बीजेपी की बात करें तो एक मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया उन्होंने गोवा के, और गोवा की सरकार बनने से रह गई, वो चुनाव हार गए वहाँ पर, तो क्या और वापस उनको भेजना पड़ा गोवा, तो ऐसे में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बीजेपी दिल्ली बुलाएगी, ये तो संभावना केवल हवाई है। ऐसी बल्कि इस प्रसंग के बाद तो इस संभावना पर पूरी तौर पर विराम लग गया है। दूसरी बात यह है कि किसी मुख्यमंत्री को यदि आप दिल्ली बुलाते हैं सरकार में शामिल होने के लिए, तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा 6 महीने के भीतर। न उसके लिए कौन सी लोकसभा की सीट खाली की जाएगी, राज्यसभा में भी 1 साल किसी को आना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये तमाम चीज़ें कपोल कल्पित है, ऐसा कोई आधार नहीं है।